नाथ बोल सकते हैं, ओगड़ बोल सकते हैं। ओगड़ एक अवस्था है। नाथ और ओगड़ में क्या फर्क है वैसे? नाथ संप्रदाय से जब कोई इंसान जुड़ जाता है तो उसके नाम के साथ नाथ से जुड़ जाता है कि ये नाथ संप्रदाय का है। नाथ संप्रदाय अघोरी ओगड़ से अलग है। हाँ, कैसे? नाथ संप्रदाय में बहुत से नाथ आते हैं, दर्शनी नाथ आते हैं, कनफड़े नाथ आते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग जो है, हम कनफड़े नाथ नहीं है। नाथ संप्रदाय में जैसे मच्छिंद्र नाथ जी का जो है, हम जो है कनीफा नाथ ही है, गुरु गोरखनाथ जी का है, भगवान कीनाराम का है, तो ये सब नाथ है। लेकिन कोई सात्विक पंथ है, कोई तामसिक पंथ है। अब हम जो है, हम कनीफा नाथ ही है और हमारी क्रिया अलग है। ओगड़ एक अवस्था है, जैसे कि आप किया ना कि अभी आप जवान हो फिर बूढ़े हो, ओके। तो अब जो है वो चीजें वैसे संभव नहीं है, लेकिन जब नाथ संप्रदाय में, खास करके अघोर में, अघोरी जो है वो एक नाटेश्वरी पंथ के लोग ही लगा सकते हैं अपने नाम के साथ ज्यादातर। आजकल तो सभी लगा रहे हैं, वो बात अलग है। तो जब इसमें दीक्षा होती थी तो गुरु जो था, गुरु मंत्र नहीं देता था, एक आदेश देता था कि बेटा तुमने एक शमशान से दूसरे शमशान भ्रमण करना है। कितने साल? 12 साल। एक शमशान से दूसरे शमशान 12 साल भ्रमण करना है, और कंडीशन एक है कि 4 दिन से ज्यादा एक शमशान में नहीं रुकना। दूसरी कंडीशन ये होती थी कि चिता भस्म लगानी है, स्नान नहीं करना। उसके बाद की अवस्था ये होती थी कि जिस पात्र में वो खाना खा रहा है उसी में पेशाब करके पीना पड़ेगा। अघोरियों के लिए बोला जाता है अपना मल भी खा जाते हैं। अच्छा, ये मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ वैसे तो। अघोरी अपना मल खाते हैं, अभी वो चीजें बदल चुकी है। अभी आप शमशान में जाओगे तो आपको 250 से 300 सीसीटीवी कैमरा और पीसीआर की वैन मिलेगी, आपकी ओगड़पंथी तो वही निकल जाएंगे आज। हाँ, वो शहरों में कह सकते हैं, लेकिन अभी भी बिहार में ऐसे शमशान है। लेकिन अब जैसे जैसे माहौल बदलता जा रहा है, ठीक है, तो अभी भी गुरु जो है, गुरु तो अपनी मर्यादा के अनुसार है, लेकिन अभी हमारे को क्या है, शमशान घूमने का नहीं है। हमें बोलते हैं कि हम लोग जो है शमशान की मिट्टी लाकर, चिताभस्म लाकर, कफन लाकर, उस हिसाब से जो है अपनी साधनाओं को अब घरों में करने लग गए हैं और मर्यादा में रहते हैं। अब ये जो है कुछ गुरु परंपरा की मर्यादा है जो सबके सामने नहीं बता सकते। उसके 12 साल के बाद जब शिष्य वापस आता था तो उसको जो था गुरु मंत्र मिलता था 12 साल बाद। अभी तो आप दो पैसा तो अभी ले लो, ऑनलाइन मिल जाएगा, तो 12 साल बाद अब गुरु मंत्र मिल रहा है, तब तक उसको शमशान सिद्धि होगी उसे पता नहीं है। क्योंकि जो अघोरी है एकमात्र वही है जो अपनी मृत्यु जानता है। अच्छा, अभी मैं आपको अगर अघोरी की मृत्यु बताऊंगा तो आप हैरान हो जाओगे उसकी मृत्यु कैसे होती है। बताओ बताओ। तो पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो फिर शिव साधना, शमशान साधना सिद्ध होगी। अब शमशान के बाद फिर शिव की सिद्धि होती है, शिव के बाद फिर शब की सिद्धि होती है, फिर जब है पूर्ण रूप से जो है, फिर वह परमहंस की उपाधि जो है, एक औघर जो है अघोरी बनता है, फिर एक परमहंस की जो है उपाधि जो है हासिल कर लेता है। तो उसके बाद जो है कि आम लोग जो मल त्याग करते हैं ना, हम पहुंचे उस अवस्था में, खाया तो नहीं है, तो उसमें आपको गंध आएगी, लेकिन वो जो मल ऐसा होगा कि उसमें मतलब कि एक आकर्षण आएगा कि जैसे देवी देवताओं की खुशबू। अभी वो बोलते हैं ना कि भरपूर जो है वो थूक दे, मीठा हो जाए पानी, ऐसा हो जाए, तो ऐसी अवस्था आ जाती है। फिर अघोरी बनना बहुत कठिन है, क्योंकि अघोरी की गति बहुत मुश्किल है। जब अघोरी की मृत्यु होती है तो उसको जलाया नहीं जाता। अच्छा, उसको दफनाया जाता है। अब दफनाया कैसे जाता है? चौकड़ी लगा देंगे, सिर नीचे टंगे ऊपर, और 1.25 महीना वेट करेंगे कि उसकी लाश में कीड़े पड़े। अच्छा, अब उसकी लाश में कीड़े पड़े, उसके बाद उसके शरीर जब गल जाता है, शरीर को निकाला जाता है, फिर उसकी जो ये आजकल तो क्या है, कामाख्या से हर कहीं से 10-10 मुंडियां लेके घूम रहे हैं। नाथ संप्रदाय में ऐसा नहीं होता। हमारे नाथ संप्रदाय में ऐसा होता है कि भाई तू मरेगा तेरी मुंडी मेरी, तू मरेगा तेरी मुंडी मेरी। खैर मेरे को पहले ही मतलब पहले मुंडी बुक हो जाती है कि मुंड बुक है। मेरे तो खैर आज तक कोई बोल नहीं पाया, मैं कह मेरी चाहिए किसी को, कहते माफ करो जी आपकी नहीं चाहिए, भाई बंधु ऐसी। फिर उस मुंडी को निकाल देंगे, उसकी 40 दिन की क्रिया चलती है, पूरा नहीं बताऊंगा, 40 दिन की क्रिया चलती है। 40 दिन के बाद जब उस मुंड पे ऐसे शराब डालेंगे तो मुंड ने उछलना शुरू हो जाएगा। हमने खुद देखा हुआ है अपने आप। हाँ, जंजीरों से बांध के रखना पड़ता है, अघोरी के मुंड जंजीरों से बंधे होते हैं। फिर उसके बाद जितनी उस अघोरी ने साधना की है, जितने भी मंत्र किए हैं, वो मुंडी बात करेगी। अच्छा, वो बोलते हैं? हाँ सब बिल्कुल है, आवाज देगी, शराब मांगेगी, नाचेगी कूदेगी, सब कुछ करेगी। अब आज जो मुंड रख के बैठे हैं, ठीक है, अच्छा उस आज के जो मुंड रख के बैठे हैं, अब ये बातें मैं डिस्क्लोज शेयर नहीं करूँ कि किसका मुंड चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी नाबालिग बच्चे का भी चाहिए होता है, किसी नाबालिग बच्चे के साथ जो है, क्योंकि एक नाबालिग बच्चों के साथ साधना होती है जिसे बोला जाता है कलवा, सुना आपने? कच्चे कलवे। हाँ, कच्चे कलवे होते हैं। कच्चे कलवे ये नहीं है, कच्चे कलवों की उत्पत्ति कहाँ से आजकल ज्यादा हो रही है, क्योंकि आजकल लोग ज्यादा जो है कलवों की चपेट में आ रहे हैं, जो ये मिसकैरेज हो रहे हैं ना, करवा रहे हैं या अबॉर्ट करवा रहे हैं, ये भी कच्चा कलवा बन के घूमता है। कभी अगर आप कहीं पे एक सर्वे देखो, लोगों के कमेंट देखोगे, या कभी मैं एक वीडियो डालूंगा, तो 99% जिन लोगों ने
अपना अबॉर्शन करवा दिया है, ये सब कुछ करवा दिया, वो पागल हुए हैं, डिप्रेशन में है, उनको समझ ही नहीं आ रहा क्या करना है। क्यों? क्योंकि वो भी एक आत्मा थी कलवे की, वो आत्मा कहाँ पर जाएगी। अभी क्या हो गया कि भगवान ऊपर से जो है ना बोलता है कि ये जी मैंने ना 10,000 बच्चे आज पैदा होंगे, पैदा कितने होते हैं 8,000, 2,000 कहाँ गए, बेटियाँ हैं, तो उनकी एनर्जी यूनिवर्स में घूम रही है। तो ये एनर्जी एक तो ये घूमती है, दूसरा होता है कि जो बच्चे को दफन किया जाता है उस बच्चे को जो है दूध से जो है उसको स्नान कराया जाता है, उस दूध के साथ कुछ और भी क्रिया है क्योंकि पूरा नहीं बता सकते, कोई किसी का गलत ना करे। स्नान कराने के बाद उसका जो है घी बनाया जाता है, अच्छा हाँ घी बनाया जाता है, फिर उस जोत को जब जलाते हैं तो वो कलवा आ जाता है। आपने देखी है सारी चीज़ें? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी मेहंदीपुर बालाजी में तो लोगों के ऊपर कलवे चढ़ते हैं। अच्छा, मैंने एक बार एक के कलवे उतारे थे तो दो बच्चे मेरे आगे खड़े हो गए और खेल रहे हैं, वो बच्चे हैं, वो मतलब कि वो एनर्जी नहीं है कि ये दे वो दे, जब छोटे छोटे बच्चे हैं ना तो शरारते कर रहे हैं, सामने सब कुछ दिख रहा है। तो मैंने जल अभिमंत्रित करके उसको दिया तो उसने जहाँ जहाँ फेंका वहाँ पे वाइट दाग हो गए सारे उसमें। फिर मैंने कुछ क्रिया की और मैंने कहा नहीं मुझे नहीं पकड़ना, कि मासूम बच्चे हैं, अब इनको पकड़ भी सकता था क्योंकि उनसे काम बहुत ज़्यादा नहीं जा सकता, उनको 2,000 रुपये का नोट दिखाओ, बोल बेटा लेके आ जा, लेके आ देंगे। अच्छा वैसे ही हाँ, जैसे डेढ़ फुटिया सुना है? नहीं मैंने सुना नहीं डेढ़ फुटिया। क्या क्या है डेढ़ फुटिया? बहुत बड़े पॉलिटिशियन है, एक उनके खिलाफ केस था, ठीक है, आज तक कोई पता नहीं लगा सका कि आग कैसे लग गई, जहाँ जहाँ डॉक्यूमेंट्स थे, 5 करोड़ का बिकता है डेढ़ फुटिया, इतनी सी एक शक्ति है। अच्छा ये साधारण में ये चीज़ें होती हैं ऐसे? हाँ हाँ 100% है ये चीज़ें जो है, क्योंकि जो मेरी ऑडियंस मुझे जानती है सबको पता है कि मैंने एक्सपीरियंस की ही बात की है आज तक, नॉन एक्सपीरियंस बात करके हवा में तीर छोड़ के कोई फायदा नहीं। तो जो डेढ़ फुटिया है ये, चलो ये अमावस को होता है, ये भी एक एंटिटी है। ये आदिवासियों की और कामाख्या की विद्या है, ज्यादातर आज भी नरबली बंद नहीं हुई है, कामाख्या में आज भी नरबली चलती है असम में गुप्त रूप से। तो ये डेढ़ फुट या शक्ति 5-5 करोड़ की बिकती है और इसको बड़े लोग खरीदते हैं। वो क्या करेंगे कि एक टाइम पीरियड होगा, कहेंगे कि ये डॉक्यूमेंट्स हैं तो उन्हें वहाँ जाना है, लेके आना है, कभी आप सर्च करना डेढ़ फुटिया, वो डॉक्यूमेंट्स लाकर दे देगा, किसी को पता नहीं लगेगा। बट उसकी ये होती है कंडीशन कि हम आपको 3 महीने के लिए देंगे, 4 महीने के लिए देंगे, उसके बाद वो वापस ले लेंगे उस एंटिटी को। हाँ ओके। और जिनको इनका पता लग गया, क्योंकि इसके लिए पहले ना एक बाउंड्री बांधनी पड़ती है गाँव ग्राम में। अभी इससे एक और बात याद आई कि देखो हम बोलते हैं कि अब मैं आपको बोलूंगा, आपने करण प्रसाद की सबने सुना है? हाँ वो कॉमन है आज के टाइम में, बहुत कॉमन है। वैताली सुना है? वैताली तो नहीं सुना, वैताली नहीं सुना, चलो सुनाते हैं। पहले करण प्रसाद नहीं, या जो कुछ एक इजेक्शनी होती है, नट इजेक्शनी होती है कुछ, कि जो आपके कान में आकर सब बताती है, करण प्रसाद नहीं होती है, करण प्रसाद नहीं बताती है, नटेश्वरी भी एक होती है। लेकिन मैंने सुना है सर ये जो एंटिटीज होती है ना जितनी भी है, चाहे यक्षिणी है चाहे कोई भी है, ये आपको भविष्य नहीं बता सकती, आपको पास्ट बता सकती है, क्या भविष्य बताने की ताकत है इनमें? बिल्कुल है। किसने बोला? शक्ति तो छोटे से कलावे की भी जो है ना वो भी काम कर जाती है। अभी एक लड़की थी, उसका कुछ जानकार था, उसने उसको शमशान की सिर्फ अपनी एक सिगरेट की राख दी थी, उसी राख से उसके ऊपर जो है भगवती आ गई थी, भगवती की छाया, भगवती तो नहीं आती है, छाया आ गई, वो खेल रही थी, आज उसका नाम है इस चीज में। अब सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि अब बात करते हैं कि हम करण के साथ ही सिद्ध नहीं हो रही है, यक्षिणी या नट यक्षिणी भी एक आती है, सिद्ध नहीं हो रही है। इसका मेन कारण ये है कि जो यक्षिणी है या और शक्ति है, जो छोटी शक्ति है, जहाँ पे मनुष्य का वास है आपको नहीं मिलेगी। आप उत्तराखंड में चल जाओ परफ्यूम लगा के, बड़े से बड़े बढ़िया से परफ्यूम आते हैं, जैसे कि फिरदौस आता है ओरिजिनल, जहाँ पर जिन होंगे, मुस्लिम कंट्री होगी तो जिन ऑटोमेटिकली साथ चल जाएगा। ऐसे जो है यक्षिणी अगर आपने प्राप्त करनी है तो अब एक कमरे के अंदर वो शक्ति कभी नहीं आती है, लोग पागल थोड़ी जो हिमालय में जा रहे हैं जंगल बेहड़ में। अच्छा अगर आपने कभी सुना भी होगा कि किसी को यक्षिणी सिद्ध है साधु को, तो कोई हिमालय का ही होगा, ठीक है ना। आजकल तो लोग खुद भगवान बने बैठे, इनकी बात तो नहीं आना। तो इसके लिए क्या है कि जैसे करण प्रसाद में आप सिद्ध कर रहे हो, तो इसका सबसे बड़ा असूल ये होता है कि आपके कान में किसी और की आवाज नहीं आनी चाहिए उस जब आप साधना कर रहे हो। आपके हॉर्न की आवाज आ गई, साधना खंडित है। अब बंदे लगे रहते हैं यार हम तो करण प्रसाद नहीं कर रहे हैं, फिर करण प्रसाद भी एक नहीं है। अच्छा इसमें भी चीज़ें तामसिक भी है, सात्विक भी है, माँ रूप में भी होती है करण पिशाचिनी, बीवी रूप में भी हो जाती है, अप्सरा का भी है। अप्सरा जो है आप माँ रूप में कर सकते हो, बीवी रूप में कर सकते हो, या फिर पत्नी रूप में कर सकते हो। अब मेरे पास लोग आते हैं बोलते गुरु जी आपको 3100 रुपये दे देंगे, अप्सरा सिद्ध करा दो पत्नी रूप में। मेरे मुँह से एक ही बात निकलती है, मैंने कहा मूर्ख
2-2 लाख रुपए तो तेरे को किसी से शादी करने का लग जाएगा, तेरे को 3100 माफ होना चाहिए। सोचने की बात है ना, लेकिन इंसान की सोच उस हिसाब से बनी हुई है। इसमें देखो आज अफसराओं की मालाएं बनी हुई है ना, कहीं विधान नहीं है। अफसरा की क्या माला होगी, आप एक बार सोचो क्या माला होगी। इंद्रदेव को बैठा ऊपर, अफसराओं की माला नहीं होती है, अफसराओं के लिए मुद्राएं होती है पहले। अच्छा अच्छा नहीं, आवाहन मुद्रा होती है, अप्सरा आवाहन मुद्रा होती है, आकर्षण मुद्रा होती है। और तीसरी बात ये नहीं है कि अप्सरा है तो अप्सरा रूप में आएगी। अब आपने अप्सरा बुला ली, किसी के साथ हुआ भी था, गंदे रूप में आई, कहती हूँ मैं अप्सरा, लेकिन तूने आवाहन करते हुए जिस औरत को देखा या सोचा मैं उस रूप में आ गई। और आपको बताऊं कि अगर अप्सरा यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी पे भी खड़ी होगी ना तो आपको खुशबू आ जाएगी, और आप अपनी काम वासना को कंट्रोल कर ही नहीं सकते। विश्वामित्र टूट गया अप्सरा को देख, अप्सरा को देख के हम कैसे कर लेंगे सिवाय अर्जुन के। अर्जुन के, अर्जुन ने मां रूप में देखा था, तभी अर्जुन को जो है शराब मिला था। तो चलो ये अर्जुन का टॉपिक है, सो क्यों मिला, मतलब कि वो अप्सरा उसके साथ जो थी रहना चाहती थी तो नहीं रहा उसके साथ, बोला तू मेरी माँ है, वो अपने ऊपर है। हाँ, वो अपने ऊपर है, लेकिन जब विश्वामित्र जैसा तपस्वी टूट सकता है। नहीं, आपको अपने आप को देखो ना, अप्सरा हमारी लाइफ में क्या कर सकती है हमारे लिए। देखो अप्सरा आपको जो है धन देगी, लेकिन किसी और का होने नहीं देगी। दूसरी बात यह कि अप्सरा के साथ शारीरिक संबंध बनाओगे तो अब ये सोच लो कि मतलब बोलना नहीं अपनी इस ब्रॉडकास्ट पर चाहिए कि मतलब बहुत गंद में मुंह मार रहे हो, घिन में। क्यों ऐसा? क्योंकि वो बाहर से जो खूबसूरती होगी अंदर से उतनी क्रूर, अंदर की खूबसूरती नहीं अप्सरा में, ठीक है, वो आपको इन्फेक्शन भी देगी। गुप्तांग में जो है बहुत तगड़ा गंदा इन्फेक्शन देगी, बहुत गंदे वाला। मेरा एक दोस्त था, उसका संबंध बना था, डॉक्टर के पास ही गया था कि एड्स हो गया क्या हो गया, इतने बड़े बड़े फोड़े हो गए थे, और फिर भी उसको वो, आप जब भी उसके साथ संबंध बनाओगे, आप क्यों बनाओगे, जो भी बनाएगा, ठीक है ना, जो भी बनाएगा उसको मतलब कि बहुत गंदी वाली दर्द होगी, तो वो पकड़ पकड़ के करवाएगी कि साले बुलाया ना। अब आपको सोचो, मैं सबसे सवाल पूछता हूँ आपसे, आप यहाँ पे शहर में रह रहे हो ना, अगर आप एक जंगल में ले जाऊँ ना, खाने को मिले ना कुछ ना मिले, ठीक है, झोपड़ी में ले जाऊँ मैं आपको, आप मेरा अच्छा सोच सकते हो कभी? आपको देवताओं के बीच से मनुष्यों के बीच में ला रहा हूँ, ला रहा है कोई, वैसे ही अगर मैं आपको किसी जो है एक बैकवर्ड एरिया में छोड़ के आ जाऊँ जहाँ पर आपको कच्चा खाने को मिले, आपके मन में कुछ नहीं, आप तो कहोगे यार इस बंदे को मार के मैं वापिस जाऊँ। सही बात है। अब फिर फिर उस हिसाब से इंसान सोचता है कि इससे पीछा छुड़ाऊँ तो छुड़ाऊँ कैसे। थोड़ी सी अब इसके बारे में डीपली बात कर सकते हैं, प्रक्रिया क्या है? किसकी? सिद्धि की। सिद्धि की किसकी? अप्सरा की। कौन सी अप्सरा? तो बहुत है अभी जिसके बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा अप्सरा के, देखो अप्सरा की सिद्धि जो है इसके लिए आपको क्रोध भैरव की साधना, ठीक है, क्योंकि क्रोध भैरव एक मात्र ऐसी शक्ति है कि जो इसको बुला भी सकती है, वापस भेज भी सकती है और मार भी सकती है अप्सरा को। हाँ, किसी को भी कर सकती है। जैसे मनुष्यों के लिए शनिदेव है ना न्यायाधीश, वैसी जो देवता है, जैसे हम साधक लोग जब साधना करते हैं तो कुछ शक्ति प्रकट नहीं हो रही है, हमने तो पूरी मेहनत लगा दी, अब उसका मंत्र जाप करें तो क्या करें, मतलब दिल करे कि मारे, तो वो मारने के लिए क्रोध भैरव। सबसे पहले साधक जो है क्रोध भैरव को सिद्धि करे पूर्ण रूप से। मैं चाहूँ अप्सरा करे, ये मैं कर चुका हूँ, भगा भी चुका हूँ, सारा कुछ है, ठीक है, कितने दिन का प्रोसेस होता है क्या? जब हमने क्रोध भैरव कर दिया तो फिर एक जो है संजीवनी मंत्र का संपुट लगता है, 10 माला में जो है हाथ जुड़ जाते हैं सामने देवताओं के भी। अगर कभी मेरा वीडियो देखोगे, और उसका प्रोसेस क्या है क्रोध भैरव का? हाँ, उसके मतलब लिए भैरव की आप मंत्र ना बताओ आप प्रॉपर, लेकिन एक डिस्क्राइब कर दे हम लोगों के लिए, ताकि लोग सोच सकेंगे ये चीजें कैसे होती है। देखो चलो अप्सरा को बता दे, तो अप्सरा सिद्ध करनी है, तो अप्सरा सिद्ध करने के लिए सबसे पहले तुम लोगों को शिव की अनुमति लेनी पड़ेगी। अब शिव की अनुमति कैसे ले? हाँ, है ना, अब आपने जाके बोल दिया हाँ जी शिव जी अनुमति दो, अब आपको कैसे पता चलेगा अनुमति मिली कि नहीं मिली? इसके लिए शाम को एक दिया जलाना पड़ता है शिव जी के आगे। ओके, जब आपको अनुमति मिलेगी तो दिया हिलना शुरू हो जाएगा, फड़फड़ाना शुरू हो जाएगा जोर जोर से, तो इंडिकेशन है। हाँ, तो इसका मतलब आप सफल हो जाओगे। अप्सरा भी अगर आपने कोई भी साधना करनी है, एक शिव जो है, शिव से अनुमति लेना बहुत जरूरी है सबसे पहले। हाँ, फिर इसके बाद जो है आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत जरूरी है। फिर तीसरी जगह आपको ऐसी देखनी पड़ेगी जहाँ पे ये अप्सराओं का वास हो, क्योंकि अप्सराएं भी धरती पे भ्रमण करने आती है। वो कैसे पता लगेगा? वो पहाड़ियों में जाना पड़ेगा, उत्तराखंड की पहाड़ी में चले जाओ, फिर देखो वहाँ पर आपको, वहाँ के लोगों से पूछो, क्योंकि देवभूमि के अंदर देवताओं का वास है, जब देवताओं का वास है ठीक है, वहाँ पे अप्सराओं का भी वास है, यक्षिणी का भी वास है। तो
उसके बाद आपको जो है अपना नित्य मंत्र जाप, जो भी आपको गुरु से आपका मंत्र जाप मिलता है, लेकिन आपको क्रोध भैरव से बुलाना, आकर्षण मुद्रा। सर एक मिनट, मैं पहले डिस्क्लेमर दे दूं, ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन के लिए हम कर रहे हैं, कोई भी इसको घर पे ट्राई ना करे। और मैंने जहाँ तक सुना है ये चीजें जो है बिना गुरु के मंत्र के या फिर बिना, वो करनी भी नहीं चाहिए और ये सक्सेस भी नहीं होती है। देखो इसमें कुछ एक आध बात तो मैं बता भी नहीं रहा हूँ, क्योंकि उससे पहले अपना एक चित्र भी बनता है कि कैसी चाहिए। हाँ समझ रहे हो। अभी चलो जैसे मैं आपको एक चीज बताता हूँ, चैट की सुनानी होगा किसी ने, किसी ने नहीं सुना होगा, चैट की शक्ति सुनी नहीं होगी किसी ने। सिर्फ 8,000 मंत्र, मंत्र नहीं बताऊंगा लेकिन वैसे बता देता हूँ, दरवाजे की चौखट में बैठना है, 8,000 मंत्र जाप करना है। ये कोई एंटिटी है? बता रहा हूँ क्या, सब्र तो रखो। अच्छा तो क्या है कि चैट की एक ऐसी शक्ति है कि जो साधु संत जो है ना, अब कई लोग उनके आपने सुना होगा यार ये साधु संत के घर में कोई ना काम करते, अब तक कोई आते हुए तो देखते नहीं है, इसका खाना भी पका हुआ, इसके कपड़े भी धुले हुए, तो इसका मैंने नाम दिया था आसमानी नौकरानी। जैसे कि मैं कहीं हिमालय में चला जाऊँ या मेरा कोई भी साधक चल जाए, मैं का मतलब मैं नहीं होता, मैं का मतलब मैं साधक है ना, मेरे ऊपर मत डालो सब, तो मैं इस चैटकी का आह्वान करूंगा। ये चैटकी जो है चाय भी बनाएगी, मेरे एक चाचा गुरु के पास सीधे थी, हमने सब देखा है, पैसे भी निकाल के ले आएगी, और आप एक चैटकी को बुलाओगे 10 आ जाएगी। अच्छा ये भी बात है, एक को बुलाओगे 10 आ जाएगी, उसका भी चित्र बनाना पड़ेगा, और 8,000 मंत्र में उसने आना है, 99.9% है, मतलब अगर नहीं आई तो दुनिया में सबसे मनुष्य इंसान होगा कोई जिसके पास ना आए, ठीक है ना, उसके अलावा तो सब कैसे आएगी, और वो आपके घर का झाड़ू पोछा सारा काम करेगी, दिखती हुई है प्रॉपर। हाँ बिल्कुल दिखेगी, सारा कुछ करेगी, लेकिन वचन जो है ना, इन चीजों में वचन में हेर देती है ये शक्तियाँ। कैसे? आपको वचन लेने पड़ते हैं इनसे कि तू मुझे परेशान नहीं करेगी, तुझे जब मैं बुलाऊंगा तब आएगी, ठीक है, लेकिन वो अपने दिमाग का कंडा कहीं ऐसा इस्तेमाल करेगी कि आपको फंसा देगी, वो अब वो जब आएगी तब है। ऐसे बात करना आसान है, लेकिन जब एक शक्ति सामने आती है, अभी मेरा एक नर्सिंग वीर है जो 3 माला में प्रकट होता है, उसके कम से कम नहीं तो 40-50 एक्सपीरियंस डाले हैं, सिर्फ 3 माला, एक आज करनी है, एक अगले हफ्ते करनी है, उससे अगले हफ्ते करनी है, वीर आ जाएगा। क्या करता है वो? भूत भविष्यवान सब बताएगा, आपका एक्सीडेंट होने वाला वो बताएगा, लेकिन अगर 30 बंदों के सामने प्रकट हुआ है ना, तो उसमें से 27 बंदों ने मुझे बोला इसको वापस कैसे भेजिए, हम तो डर रहे हैं, मतलब इतना भयानक दिखता है देखने में। शक्ति भयानक ही दिखती है। शक्ति आपको क्या लगता है कि भगवान मुकुट काल के आएंगे, बुल्ले के आएगी शक्ति के अंदर? बुलाने को जब तुम शक्ति बुला रहे हैं, इसीलिए कहते हैं कि पिंडदान क्यों करते हैं, बेटा खत्म है तू, अब तुझे कोई मृत्यु का नहीं, तू कभी भी साधना क्षेत्र में है, तेरा पिंडदान कर दिया, घर भी छुड़वा दिया, कभी भी मर सकता है, गलत शक्ति का चयन कर लिया तो ये होता है। हाँ होता है। आपने कोई ऐसा साधक देखा है जो कि बहुत परेशान हो अपनी सिद्धियों से ही? बहुत है। अभी एक है, उसको मैंने मंत्र दिया था, उस मंत्र को उसने 14 लाख जाप कर दिया। ये कितने टाइम में हो जाते हैं मंत्र जो जाप है, 1 साल 2 साल कितना टाइम लग जाता है मंत्र के ऊपर है? मैंने कितना छोटा कितना बड़ा है, कितना छोटा है कितना बड़ा है, अब आपका 1.25 लाख मंत्र में होती है 1250 माला होती है, ठीक है, अब इसको आप अगर जो है 40 माला रोज करते हो, अगर 100 माला रोज करते हो तो 12 दिन में हो जाएगा, 200 माला करते हो तो 6 दिन में हो जाएगा, बाकी तो इतना तो अभी मैथ जोड़ ही लेना, ठीक है। तो उसने सारे डॉक्टर को दिखा लिया, पेशाब के साथ वीर्य आना शुरू हो गया क्योंकि मूलाधार बिगड़ गया, अभी 2 साल से बिगड़ा हुआ है, और मेरे साथ कोई कॉन्टैक्ट नहीं था। जब मेरे से बात हुई तो मैंने फिर उसे एक मंत्र बताया, जो हम काम वासना जो है ना कंट्रोल करने के लिए एक मंत्र का जाप करते हैं, बीज अक्षर का। अच्छा, वो बीज अक्षर बताया, वो कहता मैं बिल्कुल ठीक हो गया। और इसके अलावा सबसे ज़्यादा परेशानी जो आती है, वो आती है जो लोग चल जाते हैं शमशान, आते ना लोग, मैं तो शमशान जाके आऊँगा, मैं तो शमशान में दिया जलाऊंगा, अब शमशान चल जाते हैं, और शमशान में जाने के नियम है, जैसे कि जो कुछ गुरु गोरखनाथ जी को मानने वाले हैं वो शमशान को हम भी जगाते हैं, पहले शमशान में क्या है, वो लकड़ी या सिगरेट लेके जाएंगे, आग लेके जाना है, खाली नहीं जाने का भी, हाँ ठीक है, उसके बाद वो क्रिया करते हैं, अब दिया जलाएंगे, वो मंत्र पढ़ेंगे, वो दिए की बत्ती इतनी ऊपर जाएगी, इसका मतलब शमशान जाग गया, मतलब कि आग हवा में उड़ती दिखेगी आपको, शमशान जाग गया। फिर चीता पूजन होएगा, चीता पूजन होने के बाद फिर वहां पे क्रिया होगी, फिर शमशान को सुला के आएंगे। अब मैं अगर शमशान में जाता हूँ, वैसे शमशान नहीं बोला जाता, अश्मशान बोला जाता है, और शमशान, हाँ, अश्मशान में अगर मैं जाऊँगा तो मैं चप्पल से जगाता हूँ, चप्पल से सुलाता हूँ शमशान को। हाँ अच्छा, शमशान जलाने का मतलब ये होता है क्या कि वहाँ की जितनी भी एनर्जी है वो सारी एक्टिवेट हो गई? ऐसा कुछ है शमशान जगाना या फिर शमशान बुझाना, मतलब क्या है इसका? डीपली मतलब ये है कि शमशान जगाने का मतलब ये होता है कि आप कहीं पर जा रहे हो तो पता तो लगे, खटखटा रहे हो कि मैं आया हूँ, हाँ ठीक है,
अभी लोग क्या है कि सीधा शमशान में चल जाएंगे, कुछ भी करके आ जाएंगे, किसी ने कुछ भी बोल दिया। और समय देखना पड़ता है, प्रेत शक्ति का भी है। अब जो लोग बोलते हैं ना प्रेत नहीं होता, कुछ नहीं होता, चलो मैं एक बात बताता हूँ आज कर लेना, जिसकी खुजली हो ना खत्म करके जाएंगे। पौने दो बजे तुम लोगों ने एक हंडिया में शमशान चिता में ना चावल पका लिए, बस चावल पकाना, हंडिया ऐसे रखना और चावल यूं पकड़ना और कहना ऐसे फेंके आ जाओ चौराहे पे, ना ना शमशान में, बस अच्छा शमशान में बस मुट्ठी में चावल पकड़ने हैं और ऐसे उल्टे फेंक देने हैं और वो चावल में कहना आ जाओ, इतना बोल रहा है बस। हाँ शमशान की बहुत क्रियाएं हैं, चलो एक को उजागर करता हूँ, मैं चाहता नहीं था उजागर ऐसे, क्योंकि ये बहुत हुआ है कि कोई गलत वो करेगा तो भुगतेगा भी खुद ही। जब इंसान मरता है उसके पिंड बनते हैं, अघोरी क्या करता है पिंड को खा देगा, और पिंड किसका बना जो मरा है, ठीक है एक पिंड उसका भी है, उसका पिंड खा गया, उसका नाम पता है सब कुछ पता है, तो वो बंदा आएगा कि भाई मेरा पिंड है, तो उसके बाद फिर अघोरी बोलता है कि जब तक मैं जीवित हूँ तब तक तुझे मेरे साथ ही रहना पड़ेगा, मेरे मरने के बाद ही तेरी गति होगी, यूं आप्रेत सिद्ध हो जाएगा, लेकिन किसी की आत्मा को रोकना महापाप है मेरी नज़र में, ऐसी क्रिया नहीं करनी चाहिए। लेकिन अघोरी की वो पता है ना उसकी मृत्यु, उसको सड़सड़ के मरना है, अघोरी को हाँ उसे सड़सड़ के मरना है, क्यों चुनते हैं फिर भी वो ये रहा कुछ, कोई भी नहीं चुनता है, आपने ब्रॉडकास्ट चुना ठीक है, मैंने ये चुना या भाई कोई कैमरा मैन है कोई ड्राइवर कोई कुछ नहीं चुन रहा है, सब हो रहा है। मैं आपको बताऊं शक्ति मैंने 2007 में धारण हुई थी और बड़े मतलब कि जैसे बोलते हैं ना एक मिनट के अंदर सिद्ध हुआ था, मैं टीवी पर चल रहा था कोई कह रहा था जय ब्रह्मदेव जय ब्रह्मदेव, तो मैं माता को थोड़ा बहुत मानता था, मेरे को श्राद्ध सूझी, मैं भी बैठ गया, मैंने कहा चलो मैं बोलता हूँ जय माँ काली जय माँ काली, मैंने एक मिनट जय माँ काली बोला, मेरे यहाँ से पूरा पेट घुमा, बिजली की तरंगे हुई, मैंने किसी तरह से अपने आप को छुड़ाया ठीक है, और एक सफ़ेद थूक निकल रहा था मुझसे मेरे, मैंने छुड़ाया, मैं बाहर भागा, मम्मी की वेट करने लग गया, मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे है ये, चलो वो आदत होगी कि मेरे साथ हो क्या रहा है, तो जिसको सिद्धि प्राप्त होनी उसको ऐसे ही हो जाएगी, और मुझे वैसे हुई और मैं मसान का काम करता हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर खुद के ऊपर तंत्र था, मेरे ऊपर खुद के ऊपर मसान था। अब इस चीज़ से भी एक बात बहुत अच्छी आई, अभी लोग परेशान है, देखो आप देखो कि बोलते हमारे पास मसान हो गया तंत्र हो गया, मेरा मसान ही सबका काम करता है, मैं अच्छा कर्म करूं बुरा कर्म करूं कुछ भी करूं, अगर मुझे अपने मसाल से काम लेना है कि अगर जो एक्सपीरियंस डाले है कि अंधों को भी ठीक किया है या एक एक फूंक में जो है लोग उल्टियां मारते हैं, बहुत कुछ है कि 35-35 साल से जो लोग बिस्तर में थे हाथ लगाते ही ठीक हो गए, तो मुझे मंगलवार वाले दिन शराब और नॉनवेज का सेवन करना पड़ेगा, तब वो मसान जागेगा, वो अच्छे कर्म में नहीं जागेगा, सात्विक उसमें नहीं जागेगा। और कई लोग आज की डेट में आपको जो सब उपाय देके जाएंगे कि तंत्र हुआ है ना, सब उपाय देते ना कि आपका तंत्र ऐसे ठीक करो वैसे ठीक करो, मैंने लोगों को एक उपाय दिया बहुत कारगर था, यहाँ भी देखता हूँ, मैंने कहा तंत्र हुआ ना तो पहले तो हाथ जोड़ो कि तुम्हें ऑटोमेटिकली एक शक्ति मिल गई, एक बंदे ने 10 साल एक सिद्धि की, उसने उस मसान को जगाया तुम्हारे पास भेज दिया, अब चक्कर ये है कि तुम उसको कोस रहे हो, कोसना नहीं है स्वागत करना है, उसका भोग रख दो, बोला तू मेरा तुम मसान है या भूत है प्रेत है तेरे, मेरे को परेशान मत कर मेरे काम सिद्ध कर, मैं तेरा भोग रख रहा हूँ। शक्ति को नेगेटिव है या पॉजिटिव है, जब तक तो भोग मिल रहा है तब तक काम कर रही है। सपोज मैंने कोई काम किया, किसी भाई का काम किया और मैंने बोला कि तूने एक नारियल देना है या तूने ये चीजें देनी है, अब काम हो गया, अब वो अगर नारियल नहीं देगा तो मेरी खाट खड़ी होगी, सारा भार मेरे ऊपर आ जाएगा ठीक है ना। अभी मैं दुनिया का एकमात्र ऐसा साधक हूँ कि बंदे के सर पे क्या फोन पे जो वीडियो चले हुए हजारों, मैं एक ही चीज बता दूंगा कि आपके किस अंग में कहाँ क्या दिक्कत आ रही है, इतना डॉक्टर भी नहीं बता पाता है। लोग पूछते हैं कि भाई ये तो मेरे को, तभी लोग बोलते हैं कि ज्यादा अगर एक्सरे कराना है ना अपना तो विशालनाथ से बात कर ले, वो तेरा फोन पे एक्सरे करके बता देगा कि तेरे कहाँ पे तिल है कहाँ पर क्या है, तो ये कोई करंट पिशाची नहीं है, ये मेरा नाभि चक्र जो है वो एक्टिवेट हुआ था जब घुमा था उस दिन दृष्टि प्राप्त होगी थी। तो लोग सोचते हैं कि यहाँ से है, यहाँ से दिव्य दृष्टि मिलेगी, दिव्य दृष्टि यहाँ से नहीं मिलती, यहाँ से मिलती है। ओके इसमें 7 चक्र होते हैं, सारे एक्टिवेट हो रहे होते हैं, फिर कहते हैं कि उसके बाद थर्ड आई ओपन होती है, उसी के बाद आप पैरानॉर्मल या फिर सुपरनैचुरल चीज़ों को देख पाते हो, सच है? देखो आप 7 चक्र एक्टिवेट, पहले तो मैं एक बात बताऊंगा, जो लोग ये कुंडलिनी शक्ति में लगे हैं, जब आपका एक चक्र एक्टिवेट होगा, जैसे अभी मैंने मूलाधार की बात की थी, तब आपका पेशाब सा वीर्य निकलना शुरू हो जाएगा एक्टिवेट होने पर, हाँ क्योंकि अधूरा एक्टिवेट होगा। ओके फिर आपके पीठ से फोड़े होने शुरू हो जाएंगे, फिर रंग काला हो जाएगा। अगर भगवान ने हमारे चक्र जो है वो एक्टिवेट नहीं किए तो कुछ सोच के, ठीक है
तो जो लोग, सबसे पहली बात ये नहीं कि आप कुंडली शक्ति लोग में पाते हैं, हमारा शास्त्रार्थ चक्कर जो है वो जागृत कर दो। मैंने कहा जागृत तो हो जाएगा लेकिन संभालने के लिए भी चाहिए। कई लोग आपने सुने होंगे कि भक्ति में पागल हो जाते हैं। क्यों पागल होते हैं? भक्ति से नहीं पागल होते, उन चक्रों से पागल होते हैं। अब जब आपके चक्कर जब एक्टिवेट होंगे ना, तो आप जैसे कि एक देवता बन गए हो, एक प्योरिटी में जी रहे हो, बहुत प्योर हो गए, ठीक है। अभी आप मेरे जो है मतलब पत्थर की तरह हो, ठीक है। जब आपके चक्कर एक्टिवेट हो गए तो आप जो है एक शीशे की तरह हो गए। अब उस शीशे में क्या होगा कि उस बंदे पे प्रेत चढ़ा हुआ है, आप जब उसकी तरफ देखोगे वो प्रेत खींच जाएगा, आपको पता ही लगेगा इसके साथ ये शक्ति चल रही है। और जब आपकी शक्तियाँ जब एक्टिवेट होती है ना, जैसे मैं क्रोध धर्म का उपासक हूँ और साधक हूँ, तो मैं छोटे मोटे मंदिरों में जाऊंगा ना, कहीं जाऊंगा वहां के देवता तो वैसे मेरे पैर पड़ जाएंगे क्योंकि क्रोध धर्म साथ में चल रहा है। तो आपका शरीर जो है वो एकदम पारदर्शी हो जाएगा, कहने की बात है। कैसे संभालोगे उस पारदर्शी शरीर को? और जागृत करके देखना क्या है, मरने के बाद तो वैसे ही दिखना सब, तो सब्र कर लो। तो संभालना मुश्किल है, आप संभाल नहीं सकते हो। संभालने से पहले सबसे पहले ये है कि ये आपको मोबाइल छोड़ना पड़ेगा। अगर आपको अपने चक्र एक्टिवेट करने हैं तो आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यूज नहीं कर सकते। दूसरी बात, हम इंसानों के बीच नहीं रह सकते। थोड़े बहुत एक्टिवेट है मेरे, ठीक है। मैंने आपसे आते बोला था कि किसी के अंदर अगर नेगेटिविटी होगी तो मेरा बुरा हाल हो जाएगा। अब मैं किसी से फोन पर बात करता हूँ, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरे 500 रुपए पर मिनट की बात है बात करने की, 2017-18 से भी 2.5 साल से बात नहीं की। अगर मैं 4-5 घंटे बात करूँ, मोटा मोटा कैलकुलेशन लगाऊँ, तो 45 लाख रुपए सिर्फ मैं 4 घंटे बात करके कमा सकता हूँ। 45 लाख छोटी रकम नहीं है, लेकिन मैं 2 कॉल से ज्यादा अटेंड नहीं कर सकता क्योंकि दूसरे में कोई नेगेटिव है, किसी को उल्टियां लगी है, मुझे वॉमिटिंग हो जाएगी। अब एक दिन एक को डेंगू था, मेरे को हो गया। क्योंकि शक्ति जो है ना, लोगों की नजर में शक्ति है एक प्रकार की, शक्ति जो है 2 प्रकार की है। एक जो आपने अपनी मेहनत से कमाई है, उसमें आप मंत्रों का जाप करते हैं, उसमें आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। एक हमारे जैसे साधक है कि जिनको पता ही कुछ नहीं है लेकिन शक्ति मिलगी। अब उसमें क्या है कि सीधे ऊपर से एनर्जी काम कर रही है, क्योंकि हमारे को नियम नहीं पता, हमें नहीं पता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अब मेरे एक्सपीरियंस यहाँ तक है कि, और आज भी है, कोई ये नहीं कि थे कुछ नहीं है, सब है। यहाँ बैठा हूँ, यहाँ से बोल दूंगा 10 कदम चल के दिखा दे, 6 आदमी नहीं चल पाए, एक औरत चली सिर्फ। उसके बाद वो हर 10 कदम बाद इतनी टूटी, इतनी गिरी, और सवेरे आकर मेरे को उसने बोला, कहती भैया माफ कर दो, कहती मेरे को पता नहीं था। फिर उसके हस्बैंड ने एक बात बोली, कहते तुझे पता ये कौन है? कहते कौन? कहते तेरी माँ को कोई ठीक नहीं कर पा रहा था तो फोन में एक लड़के ने सब कुछ खींच दिया था एक मिनट में। तो वो फूट फूट कर, कहते भैया आप हो? कहते मैं तो सोच रही थी कि कोई दाढ़ी वाला कोई बाबा होगा बहुत तगड़ा, आप तो लगते ही नहीं कि आपको कुछ आता भी है। जो आपका क्वेश्चन है ये मैं पॉडकास्ट के एड में लेने वाला था, लेकिन चलो आपने बात कर दी तो मैं पूछ लेता हूँ, क्योंकि अभी हमारे जो भर भर के कमेंट्स आ चुके होंगे अब तक ये, कि साधक का जो रूप होता है वो मालाएं अलग होता है, आप इस रूप में मतलब साधक हमेशा छुप के रहेगा, दिखा के नहीं रहेगा। मैं अपनी एक लैंग्वेज में एक बात बोल सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक बात लोगों को बोलता हूँ, मैंने कहा जो साधक वो है जो लाखों की भीड़ में पहचाना ना जाए, जो मैंने कहा पहचान में आ जाओ घंटे का साधक है। माला नहीं क्या करना है और कपड़े नहीं क्या करना है। जब हम साधना करते हैं ना, तो हम जो है लंगोट में भी करते हैं, दिगंबर में ज्यादा करते हैं। ये साधक जो है वो कभी भी ये नहीं कहेगा कि मेरे पास तुम लोग आओ। आज मुझको 8-9 साल हो गए सोशल मीडिया में, मैं 2 या 3 बार ही मिला हूँ। मैं मिलता ही नहीं हूँ किसी से, ना मैं मिलना पसंद करता हूँ, ना मैं बात करना पसंद करता हूँ। मैं अपने शेयर का काम करता हूँ, कुछ भी करता हूँ, अपना गुजारा कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी एक अंदर से आत्मा से अंतरात्मा से आवाज आती है कि यार तुझे कुछ मिला है और तेरे करने से कितने लोग ठीक हो चुके हैं, हजारों लोग ठीक हुए हुए हैं। मेरे शिविर में अगर 100 बंदा आता है, जब गुरु समागम होता है और मेरा समागम मुफ्त होता है, पैसे नहीं लेता, आने जाने का किराया भी देता हूँ, मुफ्त होता है, 100 बंदा आया तो 100 बंदा ठीक होकर जाएगा। तो छुपा के रखना ही है जब आपकी साधना है जो है ना सिद्धि। अब मंत्र किसी को नहीं बता सकते, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैंने आपको कोई मंत्र दिया, ठीक है, अब आपने वो मंत्र सिद्ध कर दिया और आपके अंदर घमंड आ गया कि अरे मैं तो बड़ा कुछ बन गया, ये है वो है ऐसे, मैं उस मंत्र के साथ एक क्रिया करूंगा, सारा प्रभाव खत्म कर दूंगा, चाहे आपने जितना मर्जी जाप किया हो। सर को लिखना ही है मुझे मंत्र, एक लिखने का तरीका है। तो साधक तो हमेशा छुप के रहते हैं, उनको शौक नहीं है लोगों के पास आने का, मुझे इनसे क्या मतलब होगा। और मैं एक बात इनको बोलता हूँ कि अभी तुम लोगों को ज्ञान देने के लिए पहले मैं क्या माला वाला डालू, पहले कपड़े डालू, माला डालू, मतलब क्या दिमाग लगते हो मेरे? क्यों डालू मैं? मेरी जिंदगी है, मुझे ऐसे जीना है। जब गुरु पूर्णिमा होती है, कुछ होता है, वैसे भी एक बात बताओ, देखो मेरे पास गाड़ी में भी काले कपड़े पड़े हैं, साधना के माला भी पड़ी है, भसम भी पड़ी है। मैं अभी 15 मिनट लगाता हूँ, रुको जरा ये जींस उतारी, ये माला ये लगाता हुआ, भसम ये लगाता हुआ, सारा कुछ, और ये बन के आ जाता है, और यहाँ पे लगा देता चौकड़ी की, हाँ जी बोलो।
तो क्या हो जाता उससे? ज्ञान ज्यादा बढ़ जाता या शक्ति ज्यादा आ जाती? क्या बढ़ता इनसे पूछते हैं, उससे क्या बढ़ता क्या? मतलब मुझे कोई बता दे कि हाँ कपड़े डालने से कुछ बढ़ेगा। एक आचरण बढ़ता है, एक जो है ना साधक का जो है करेक्टर होना चाहिए, ठीक है, वो करेक्टर को ही मेंटेन रखने के लिए। एक बात तो ये है। अब दूसरी वजह मैं आपको बताता हूँ, मैंने धोती डालना शुरू कर दिया और मैं आ गया ओगर रूप में। कोई भी चमन बेवकूफ जा रहा है, ठीक है, और अरे महाराज कहाँ जा रहे हैं, अरे बड़ा अच्छा लग रहा है, टोंटिंग कस रहा है, मैंने बुलाया, मैंने कहा वास्तु में तेरे से ज्यादा फुक रहा हूँ मैं, ठीक है। मैं फिर उसको आगे ले गया, मैं कहा आ जा दो मिनट, आ गया, आगे गया, मेरे पास BMW थी, मैंने गाड़ी में बैठने की औकात है तेरी? मैंने कहा सिर्फ और सिर्फ ये हमारा सनातन धर्म के लोग हैं, अगर हमने भगवा डाल दिया ठेके के बाहर, अगर खड़े होकर हम कुछ देख भी रहे हैं ना, इन्होंने हमें खाना नहीं देना है, और अगर मैं भगवा डाल के इनका भिक्षा लेने जाऊंगा तब भी ये मुझे गालियां देंगे, ठेके में चल जाऊंगा तब भी गालियां देंगे, या अगर मैं इनको भगवा डालकर कुछ भी बोल लूंगा ये गालियां ही देंगे। और मेरा भगवा ना डालने का सबसे बड़ा रीजन है कि भगवे को श्राप है, भगवादारी इंसान कभी सच नहीं बोल सकता, गारंटी है ना, भगवादारी के पास कोई शक्ति, गुरु गोरखनाथ का श्राप है। अब देख लेना आपको 99% इनके पास अगर आपको मिलेगी तो कुछ जादुई विद्या मिलेगी जो कि एकदम से आपके माइंड होगी यार इसने ये करके दिखा दिया, इसने ये करके दिखा दिया, लेकिन वो लंबे टाइम तक कोई नहीं चल सकता। जैसे कि आजकल ना काफी कंट्रोवर्सी चल रही है बलि के लिए, बलि और हत्या में डिफरेंस क्या है? जैसे तंत्र में तो बलि को प्रायोरिटी दी गई है, तो आप क्या उस पर क्या? तो लोगों को ये समझ नहीं आता कि बलि प्रथा शुरू कैसे हुई है। ये बलि प्रथा जो है जो हमारा सनातन धर्म है ये कभी भी सात्विक नहीं है, वो मूर्खी है जो बोलते हैं सात्विक है, क्योंकि कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट हो सकता है, क्योंकि मैं साबित करके जाऊंगा यहाँ पर। हमारा सनातन धर्म ऐसा रहा है, आपको पता है नरबलि के बारे में मानते हो आप कि नरबलि का विधान था? मुझे इतनी नॉलेज नहीं है चीज की। आप कभी सच करोगे नरबलि का विधान रहा है। महाराणा प्रताप का जो किले का निर्माण जो था, उनके किले का निर्माण नहीं हो रहा था। आप उनके किले में जाओगे तो आपको वहाँ पर एक साधु की समाधि दिखेगी जहाँ पर उन्होंने बोला था कि नरबलि लगेगी, लेकिन बलि ऐसी चाहिए जो स्वयं की इच्छा से दे। तो फिर एक साधु थे, वह साधु आए तो उन्होंने कहा मैं अपनी बलि दे रहा हूँ और जहाँ तक मैं चलूंगा वहां तक जो है मेरा मंदिर बना देना, वहां पर जहां तक मेरे कदम जाएंगे वहां पे मेरा स्थान बना देना ताकि दुनिया याद करे। मतलब चलूंगा मतलब बलि देने के बाद जहां तक मेरा शीश चलेगा, हाँ जब धर चलेगा, शीश नहीं धर चलेगा, जहां तक धर चलेगा तो आज बना हुआ है। और नरबलि का तो नरबलि को नहीं मानते, चलो सती प्रथा को मानते हो, सती प्रथा थी इससे तो नहीं सोचा सकते, सती प्रथा में क्या था, सबसे बड़ी क्रूरता थी। तो जहां पे नरबलि दी जा रही है जिस धर्म में औरत को सती किया जा रहा है, दूध में डुबो के बच्चों को बेटियों को मारते थे, वो गलत थी सती प्रथा, सही गलत पे बाद में पढ़ेंगे। आपको ये भी पता है कि सबसे ज्यादा जो है औरतों को छोटी कन्याओं को जो था दूध में डुबो के मारा जाता था, सनातन धर्म में था ना ये। लेकिन आज के लोगों को जो खुद जो है मुर्गे की दुकान पे बैठे हैं बकरा खा रहे हैं वो उनको तंत्र में बलि गलत लगती है। अब मैं बलि शुरू कहाँ से हुई है जो ये पशुओं की है। जब पहले राजा महाराजा युद्ध करने जाते थे, जब इंसान जो है जानवरों की तरह कटते थे, उस समय में शस्त्र पूजन होता था तब बलि दी जाती थी कि शस्त्र को खून देने का विधान रहा है, वहां से बलि शुरू हुई। अब बलि और हत्या में क्या पाप है, फर्क क्या है कि बलि क्या है हत्या क्या है? मैं आपको एक बहुत ऐसी चीज बताती हूँ जो आपने सुनी नहीं होगी। हिमाचल में क्या करते हैं, अब बलि का बताता हूँ, हिमाचल में क्या करते हैं, गाँव में एक बकरा लेंगे, अच्छा बकरे को देवी के आगे नतमस्तक कराएंगे, पूजन करेंगे कि हे माँ इस तारीख को हम इस बकरे की बलि देंगे। अब या पहाड़ों में जाओगे तो आप देखोगे कई बकरों के आप देखोगे मौली बंदी होगी, चुनरी बंदी होगी, वो बलि होती है देवी की, उसको छोड़ देंगे, बांध के नहीं रखेंगे, जिस दिन बलि देनी है वो बकरा अपने आप आ जाएगा मंदिर में, ये होती है बलि। दूसरा, बलि देने के लिए कम से कम 23 घंटे के अनुष्ठान होते हैं। अब बलि के नाम पे जो हत्या हो रही है कि ये मुर्गा पकड़ा या काट दिया, अभी आप बैठे हैं मैं बैठा हूँ ना, आप मुझे चाय दोगे कॉफी दोगे और मैं आपके मुंह में सीधा डाल दूँ, कैसा लगेगा आपको? आपकी इच्छा नहीं है। तो अब ये लोग कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। और अगर मुर्गे की बलि दी जाती है ना तो मुर्गे को क्या किया जाता है, उसको अभिमंत्रित किया जाता है मंत्रों के साथ, फिर पानी के छींटा मारा जाता है हल्का सा, सिर्फ ज्यादा नहीं हल्का सा, और फिर जब उससे पूछा जाता है कि हाँ माँ तेरे को बलि स्वीकार है, अगर तुझे स्वीकार है तो मुर्गा हिलेगा। अब ये लोग बोलेंगे यार पानी तो तेरे ऊपर डालो तू भी हिलेगा, लेकिन खासियत ये है कि उससे पहले वो मुर्गा उछल कूद कर रहा होगा, लेकिन जैसे ही बलि की बात आ जाएगी मुर्गा एक ही जगह पे खड़ा रहेगा, बस हिलेगा ही नहीं,
उससे पहले आप उस मुर्गे को पकड़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ये पोल्ट्री फार्म वाले मुर्गे की बात नहीं कर रहा, देसी मुर्गे की बात कर रहा। सही बात। तो आज की डेट में क्या है कि दिखावा ज्यादा हो चुका है, ठीक है। और दूसरी बात, जो तंत्र में मांस का आ गया ना, तो मांस किसको कहा गया है? उड़द की दाल को। अच्छा, उसको मांस की दाल ही कहा गया, जिसे हम पंजाबी में मां की दाल भी कहते हैं। तो जो हवन होता है ना, तो वो वैसे मांस की दाल से होता है, उसको नॉन वेज की कैटेगरी में लेकर चल दो जो मांस की दाल है। और कहीं देखा होगा कि आपने सगन के काम होते हैं, कुछ होते हैं, लोग बोलते हैं कि हमारे जो है खिचड़ी पकती है काली दाल की, काले उड़द की, या सगन भी माना जाता है उस दाल को। तो बलि जो शुरू हुई थी, ये तो राजा महाराजों के समय से शुरू हुई है, ठीक है। उसके बाद देवताओं को उसकी आदत लगी, या कुछ भी बोल सकते हैं, देवता खुद मांगता है। उत्तराखंड में, मैं को नाम नहीं मैं बताऊंगा, एक ऐसी जगह की, वहां पर एक जब देवता आता है ना, तो बंदा ऐसे बकरा पकड़ेगा, ठीक है, जितना बड़ी बकरा कच्चा खा जाएगा और दो बकरे खाएगा। एक बंदा दो बकरे कच्चे कैसे खा रहा है? बिल्कुल कच्चे। हाँ, कैसे खा रहा है? बिना किसी शक्ति के नहीं हो सकता। दो बकरे मतलब पूरे पूरे। हाँ, उत्तराखंड वाले लोग बता देंगे आपको, उत्तराखंड वाले, ठीक है ना। कोई बोले कि हमारे गांव का या इस जगह का नाम क्यों ले रहे हैं, लेकिन जो देखा है, उत्तराखंड में जाओ, वहां पे पूछो उत्तराखंड में कितने वीर चलते हैं, ठीक है, कितने देवी देवता चलते हैं वहां की, जिस देवी को जो है, देवता को जो है राजा माना जाता है, वो मूर्ति जवाब देती है, मूर्ति बताएगी किस काम के लिए आए। सब कुछ है, लेकिन सिर्फ जो है एक पूजा के नाम पर किसी को भी टारगेट करना गलत बात है। अगर तुम दुकानों में बलि रहा हो रही हो, साधक लोग अपने उससे तो नहीं दे रहे बलि, दूसरे अगर पक्ष की बात करें, ये तो विधान की बात थी, लेकिन अब जो अनपढ़ जाहिल लोगों की बात करें, तो मुर्गे की कम से कम 120 हाइट में बनती है, बकरे की भी 30-40 तो बनी जाती होगी, वहां किसी को एतराज नहीं है। समानता से चलो, और सनातन धर्म को जो सात्विक बताते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मेरी नजर में एक ब्राह्मणवाद है। कभी इस पर चर्चा कर लेना, मैं पहले भी बहुत कर चुका हूँ, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कभी कैटेगरी में बटा हुआ है ना ये, हाँ, राजसिक, तामसिक, सात्विक, बिल्कुल। और जो सात्विक पद्धति से चलते हैं, वो तो बिल्कुल नकारते हैं इस चीजों को, कि ऐसी कोई चीज हमारे धर्म में ना थी, ना वेदों में, ना ग्रंथों में। बलि शब्द वो भी प्रयोग करते हैं जब सात्विक साधक हो, आपको पता क्या बोलेगा, मैं पेठे की बलि देता हूँ। बलि तो दे रहा है ना, ठीक है, पेठा मतलब वो, हाँ, वो व्हाइट वाला जो होता है मिठाई। नहीं नहीं नहीं, नहीं मिठाई नहीं होता, फल है, सीताफल। नहीं नहीं, हमारे पंजाबी में उसको पेठा बोलते, सीताफल होता है वो, सब्जी बनती है उसकी। हाँ, सब्जी बनती है, हलवा टाइप भी बनता है। एक पीला आता है कद्दू, एक कद्दू, अच्छा हाँ चलो कद्दू के ले लो, पेठा, चलो नहीं इनको समझ आया, पेठा भी होता है उससे ऊपर का है। सीताफल को कद्दू कहते हैं? नहीं, सीताफल पेठा अच्छी है। जो कद्दू है, कद्दू की बलि दे रहे हैं ये जो लोग बोलते हैं सात्विक, बोलो फिर तुम कद्दू बलि शब्द क्यों प्रयोग कर रहे हो? बलि शब्द तो प्रयोग हो रहा है ना, तो मतलब ऐसे ना पकड़ो, ऐसे पकड़ो, पकड़ तो रहे हो ना, पकड़े कहा नहीं जा रहे, पकड़े कहा नहीं जाते हैं, बस ये बात हो जाती है कि उसमें खून नहीं है, क्योंकि खून जानवर इंसान काटने का अधिकार जो है क्षत्रियों का है, क्षत्रियों के अलावा जो है हर किसी के बस की बात नहीं है, ठीक है। हर एक को जो है, हर एक वर्ण के हिसाब से कार्य दिए गए थे, तो क्षत्रियों ने तो लड़ाई लड़नी थी, तो वो क्या करते, वो क्या दाल फुल्का खा के लड़ेंगे क्या? नहीं लड़ सकते थे। ये भी आज के टाइम पे जो हमारे, तो 6 महीने बाद वो बकरा वापस कह रहे हैं, कैसे आ रहा है? अगर देवी देवता बलि नहीं लेते हैं तो वापस कैसे आ रहा है? उस बकरे को तो खुला छोड़ दिया, लेकिन वापस आता है, बहुत से गाँव है खुद ही। हाँ, अपनी बलि दे रहे। शिमला में एक संकट मोचन मंदिर पड़ता है, कुछ प्रेत की बात करते हैं। वहां पे आज से 40 साल पहले क्या होता था कि एक तरफ खाई है, एक तरफ रास्ता है, लेकिन यूं उल्टा हो जाता था। अभी अभी हाँ, फिर वहां पे मंदिर की स्थापना की गई। पहाड़ों में बहुत चीजें हैं। सोलन में एक, कभी आप जाओगे तो सोलन से उतराई में उतरोगे, एक लेफ्ट साइड में शिव मंदिर आता है। मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताता हूँ उसका। मैं आ रहा, स्कूटर में आ रहा लड़के बंदे के साथ, बहुत साल पहले की बात है, मंगलवार का दिन, और हमने चलो उस टाइम पे दारू नॉन वेज वगैरह चला हुआ था, सब कुछ था। मंदिर से जैसे क्रॉस आए, मुझे ऐसा लगा कि स्कूटर गिर गया ट्रक के साथ, और मैंने छलांग मारी, और मैं ऐसे बैठा और मैं ऐसे बोल रहा, एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया। और बंदा आगे गया, उसका स्कूटर लगा हल्का, जो पीछे आया तो कहता क्या हो गया? अरे मैंने कहा एक्सीडेंट हो गया, कहता स्कूटर यहाँ खड़ा है, मैं वहां से आ रहा हूँ, भाई एक्सीडेंट कहाँ हुआ? कहता चल तेरे को चाय पिलाता हूँ। मैं जब चाय पीने बैठा तो कहते जी ये देखो ये क्या हो गया, कहते ऐसे ऐसी बात होगी। वहां के लोगों ने, स्थानीय लोगों ने एक बात बोली, कहते आप
खुले आसमान में दारू पीकर इस जगह से निकल रहे हो जहाँ पर इतने छल होते हैं, यह रोज का काम है, आपको किसी ने बचा दिया। इतने में मेरी माँ का जो है, मैं घर में गया तो मेरी माँ ने मुझे बोला, कहते कि तेरा एक्सीडेंट हुआ कहीं पे और वहाँ शिव मंदिर था। मैंने कहा जी मम्मी, वो भी कृष्ण भक्त है। कहते तुम्हें को भगवान ने भोलेनाथ का एक आदेश है कि तेरे बच्चे को बचा दिया। उसके बाद मैंने कमीज उतारी, जब कमीज उतारी तो पूरा पंजा छुपा हुआ, उसका 20 दिन निशान नहीं गया कमर में। हाँ, ऐसे ही 24/2 एक जगह पड़ती है, ये आपकी पड़ती है तत्तापानी साइड। 24/2 ये थी कि बस गिर गई थी, 24 बंदे मर गए, दो बंदे बच गए। तो जगह का नाम है 24/2। अच्छा, कोई भी चले जाए वहाँ पर, मैं आज से 15 साल की बात कर रहा हूँ, आबादी के साथ सब कुछ घट जाता है। तो मैं जा रहा था, मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि कहता कि वहाँ पे मैंने ना ऐसे देखा कि आदमी खड़े हुए, और मैंने माचिस ले ली थी उनसे, जब मैं पीछे गया तो कोई भी नहीं था। मैं कोई बात नहीं, और मैं जब जा रहा हूँ मैं देख रहा हूँ कि आग जल रही है। तो मेरे साथ जो बंदा था, कहते एक मिनट सिगरेट जला लेते, माचिस नहीं है। उस दिन भी वही हुआ, हम 10 फुट दूर नहीं थे, 10 फुट नीचे देखा हमने, आग नहीं, कुछ भी नहीं, कोई बंदे ही नहीं। अरे हमारी टिकाप भी टांगे, मैं पढ़ो हनुमान चालीसा, वो मेरे को बोले मेरी ब्रेक में पैर नहीं लग रहा। तो हिमाचल में ऐसी बहुत जगह है, एलर्जीज है पहाड़ों में बहुत ज्यादा। अच्छा, लाने का तरीका भी बता देता हूँ। चलो वहां से, हाँ, अगर आपको लेकर आनी ना, जैसे कि एक जगह जहाँ पे 60 आत्माएं हैं, 60 आत्माएं बुलानी ना, वहाँ पे क्या होता है कि हिमाचल में हर जगह पे आपको दिखेगा। हिमाचल में आप कभी भी जाओगे ना, कहीं एक्सीडेंट होता है, एक चामुंडे बना देते हैं, चामुंडे भी नहीं जानते होंगे आप, एक ट्रायंगल सा मंदिर छोटे छोटे। हाँ समझ गया मैं, उसे चामुंडे बोलते हैं। चामुंडे एक बहुत बड़ा देवी भगत हुआ है, उसका शीश अलग है बहुत, उसका कभी फिर बात करेंगे। तो एक व्हाइट कलर का रोड पर एक छोटा मंदिर बना देते हैं, ठीक है, और वहाँ चुनरियाँ बांध देते हैं उतनी। अब वहाँ से चुनी पकड़ के ले आओ, किसी में दम है चुनी पकड़ के ले आए, बस जो कहता है कि कुछ नहीं होता, जाए वहाँ से चुनी पकड़ के लाए, बोले आ जाओ रात को 12 बजे, बस शर्त यह है कि नॉन वेज दारू दूर सब मुँह में सिर्फ लगा ले, छिड़क ले अपने ऊपर और लेके आ जाए, दम है तो। तो नकारा कुछ भी नहीं जा सकता। देखो, जिसको जो दिखता है उसके लिए वो है, जिसको नहीं दिखता उसके लिए नहीं है, वही बात है। मानो तो पत्थर, हाँ मानो तो भगवान, ना मानो तो पत्थर। हाँ बहुत कुछ है, नेगेटिव में भी बहुत कुछ है देवी के हमारे। मेरी जो है वीडियो आज से 3 साल पहले वायरल हुई थी, 4 साल पहले बहुत मिलियंस मिली थी। मेरी जो आज भी जो है ना माँ का स्वरूप, वो आग चपकता है। कोई भोग लगाने जाएगा, वो 10 लोगों ने मुझे बोल दिया माँ की आग चपकती है। वो वीडियो में लोगों ने देख लिया तो उन्होंने दिखाया, तो अब उसके लिए बना तो पत्थर से ही है सब कुछ, अपनी आस्था है। अब अगर हम मूर्ति की बात करें ना, तो आप एक मूर्ति ले आओ, एक मूर्ति मैं ले आता हूँ सेम दुकान से, लेकिन जब आप उसका पूजन करोगे ना, तो उसके अंदर आपकी आस्था, आपकी कुंडली शक्ति जाएगी, वो उस हिसाब से चलेगी। मैं जो पूजन करूंगा वो उस हिसाब से जाएगी। आज की डेट में लोग सबसे ज्यादा पागल इस वजह से हुए कि इनको काली और शमशान काली का फर्क नहीं पता लग रहा। आज की डेट में हो रही है हर घर में शमशान काली की पूजा। अच्छा, नॉलेज आपको नहीं, क्या है इन्होंने? जो शमशान काली की मूर्ति होगी ना, उसमें एक त्रिशूल होगा, जिसमें त्रिशूल है वो शमशान काली है, उसमें कोई आशीर्वाद नहीं है। और मैं एक बात ये भी बता देता हूँ कि माँ काली का जो है, जो स्तन है, जो ऊपरला भाग है दूध वाला, ये आशीर्वाद है बच्चों के लिए, और जो पिछला भाग है ये दैत्यों के लिए जहर है। माँ किसी को ऐसे हाथ से आशीर्वाद नहीं देती है। लेकिन आज जो है लोगों को पता नहीं, वो मूर्ति लेके आ जाते हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा कि शमशान काली को पूजना गलत है, लेकिन जो शमशान काली होगी या शमशान भैरव होगी, इनके सर के ऊपर छत नहीं होती। प्रॉब्लम यहाँ पर है, जब तुम इनको बांधने की कोशिश कर देते हो ना। अब मैं आपको एक बात बोलता हूँ, ध्यान देना, आपने शिव मंदिर कितने देखे हैं? मेरे घर के सामने है। शंकर मंदिर कितने देखे हैं? नहीं देखे, शिव मंदिर ही है सारे। शंकर मंदिर नहीं देखे ना? शंकर को कहाँ देखा? शमशान में। शिव ग्रस्त है, जैसे मैं सोचने पहले शंकर रूप में था, अब मैं ग्रस्त में हूँ, ठीक है। इस वजह से आपको शिव मंदिर दिखते हैं, नाम शिव शंकर का होता है। अब शिव और शंकर एक है, मानते हैं चीज को? नहीं, मैंने अभी अभी फिलहाल हाल ही में पढ़ा है कि शिव और शंकर दोनों अलग है। अलग है ना, अभी वही तो बता रहा हूँ कि एक तो ग्रस्त में आ गया, शंकर जो है वो समाधि में है, शंकर का वास शमशान में है, ठीक है। तो इसलिए आप किसी भी शमशान में जाओगे तो आपको वहां पे शंकर ही दिखेंगे। इसलिए शिव की पूजा होती है। इसी तरह से काली जो है, ठीक है, अब काली का सबसे बड़ा रूप क्या होगा पता है? काम कला काली। अच्छा, तो बहुत बड़ी शक्ति है, ठीक है।
आह्वान भी बहुत आसान है उसका। तो क्या मतलब लोगों को जब ये मूर्ति लेते हैं तो क्या देखना चाहिए उसके अंदर? एक तो देखना चाहिए कि या तो ले अष्टभुजी, आठ भुजाएं हो, ठीक है, या हाथ में जो है एक आशीर्वाद वाला हाथ हो, त्रिशूल लाओ। उस घर में क्या होता है, नेगेटिविटी रहेगी? उस घर में ये होगा कि बीमारी आएगी, धन की हानि होगी, तलाक हो जाएंगे, घर नहीं बसेगा, लड़कियां ज्यादा पैदा होगी, पीरियड्स की दिक्कत रहेगी, मतलब कि एक डिप्रेशन का माहौल हो जाता है ना, कि जैसे कि जेल नहीं होती, घर में सीलन आनी शुरू हो जाएगी। ओके, अभी ये कमेंट में आप देख लेना कि जितने लोगों को परेशानी है ना दिमागी तौर पे, इनके घर में सीलन रहेगी बहुत सारा। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि देवी को सब पूज रहे हैं, लेकिन जब भी मैं आपसे पूछता हूँ कि देवी का जो आह्वान किया कभी भी देवताओं ने, किस लिए किया? संहार करने के लिए, आशीर्वाद के लिए? कभी सुना कि देवी को बुलाया कि आशीर्वाद दे जाओ? ये हम मनुष्य बुला रहे हैं, लेकिन जब देवी क्रोधित हुई, माँ काली की बात कर रहा हूँ, उनको शांत किसने किया? भैरव ने। सबसे पहला वीडियो मैंने भैरव का डाला था, उससे पहले लोग बोलते भैरव ने, जब मैंने खुद भैरव को पूजा मेरी जिंदगी बदल गई, और आज भी हजारों एक्सपीरियंस डले हुए हैं। इसलिए जब तुम महाकाली की पूजा कर रहे हो तो भैरव की पूजा करोगे तो माँ शांत रूप में और वैष्णव रूप में और पारिवारिक रूप में बैठेगी। अगर माँ भैरव के साथ नहीं है, आप किसी भी मंदिर में देख लो, भैरव की स्थापना क्यों करते हैं? कुछ रीजन है ना। माँ के साथ आप बंगलामुखी के मंदिर में चल जाओ, वहां पर भी आपको भैरव मिलेगा, शक्तिपीठ में भी चल जाओ, लेकिन आपको घर में भैरव नहीं मिलेगा, वो लोग परेशान रहते हैं। सही बात है। तो भैरव की पूजा करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि भैरव भय को हरता है और रव नाम का एक जो है नर्क भी है, और वहां से भी बचाता है। लेकिन भैरव की पूजा और साधना अलग अलग है दोनों, मैंने सुना साधना बड़ी डिफिकल्ट है भैरव जी की। सबसे आसान है, भैरव शक्ति एक ऐसी शक्ति है जो परीक्षा ही नहीं लेती। अच्छा, बाकी शक्ति है जैसे माँ काली की है, ठीक है, परीक्षा लेती है। अब मैं पूरा सच बताऊंगा, लोग पूजा करना छोड़ देंगे, क्योंकि अगर हम इनको पूजा में आने वाले कष्ट बताएंगे कि ये पूजा भगवान की नहीं कर रही है, मतलब की पूजा करते हैं, तो इनको जहां प्रॉफिट दिखेगा, हनुमान में दिखेगा, जिसमें दिखेगा, या मेरे में भी दिखेगा, मेरी भी पूजा करेंगे, ये करते हैं। मैंने इनको लोगों को बताया, आप बोलते रहे कि इस भगवे में क्यों जाता, चोले में क्यों जाता, मैंने लोगों को भगवान को पाने का एक रास्ता दिखाया। क्या है वो रास्ता? जो दिखाया बताऊंगा, ठीक है, बहुत है, मतलब की 1500 वीडियो है अभी, बताओ शुरू, लेकिन पूरी बात सुनो, मैंने इनको भगवान का पाने का रास्ता बताया। इन लोगों ने सालों ने मेरी फोटो मंदिर में रख के मेरी पूजा करनी शुरू कर दी। मैंने कहा बाहर में जाओ, मैंने कहा मैं तुम लोगों को पाखंड से निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम लोग मेरे को ही भगवान बना रहे हो। तो मतलब की पूजा जो है ना, ये कभी सफल नहीं हो सकती। भगवान को पाने का रास्ता देखो, सबसे बड़ा रास्ता है आपका ब्रह्मचर्य, आपका चरित्र, आपका नियम, आपकी आस्था, डर खत्म करो। अभी क्या है कि सबसे बड़ा क्या होता है कि आप पूजा कर रहे हो ना, कोई भी कर रहे हो, ये शायद आप भी करते होंगे, यार मैंने ये दिया नहीं किया भगवान रुष्ट नहीं हो जाएगा, यार मैंने ये धूप नहीं किया भगवान रुष्ट नहीं हो जाएगा। अरे भाई, इतनी बड़ी शक्ति है वो तेरे धूप दिए के लिए बैठी हुई है, वो क्यों रुष्ट होगी इतनी बड़ी शक्ति? मतलब कि क्या है वो, तुम लोगों को क्या इंसान लगते हैं है? कि 10 रुपए नहीं दिए, उसने उधार नहीं दिया तो नाराज हो गया मैं उससे, ये हो गया, तो शक्ति भी तुम लोगों को ये लगती है कि हाँ उसने हमारे को ये नहीं किया। शक्ति बहुत बढ़िया है, शक्ति कभी किसी से नाराज नहीं होती है, जिससे नाराज होती है उसका निराश है। शक्ति क्यों नाराज होगी किसी से, मैंने इसको भोग नहीं दिया तो ये नाराज होगी होगी शक्ति? अरे डर से तो निकलो, मैंने मंगल को ये नहीं खाया, वीर को ये नहीं किया, अच्छा मेरा मुंह इस साइड हो गया, मैंने माला ऐसे पकड़, मैंने ये कर लिया, अरे ये वहम से तो निकलो। उस परमात्मा को पाने के लिए ना रावण बनना पड़ता है निरत, ये ऐसी तैसी में जाए यार, हो रहा जो हो, होती है शक्ति नाराज वो, क्योंकि शक्ति तुम्हारी आस्था से चलती है, तुम्हारे पखंडों से नहीं चलती है। तो उस पखंड की जो है ना, आज की डेट में जो है मंत्र देंगे एक लाइन का, सारे नियम देंगे 4 पेज के, क्या है ये? आप किसकी पूजा कर रहे हो? आप डर की पूजा कर रहे हो, मतलब की पूजा करो? भगवान की पूजा कैसे करोगे आप? भगवान की पूजा तो भक्त तो निडर होता है ना, निडरता तो है ही नहीं है। मैंने मांस खिला दिया इसको, चाहे बजरंग बली को भी खिला दिया, अरे बजरंग बली नाराज होंगे, पहले डर से निकलो, होंगे तो क्या हुआ? साधक सबसे पहले यही सोचता है कि मेरा अंत करो, तू जो कष्ट देना चाहता है जितना तेरे में दम है तू दे। जो साधक है आम व्यक्ति नहीं, जो हमारे जैसे है ना, हम वही बोलते हैं तेरे में जितना दम है सहने का दम हमारे अंदर है, जब तक है तब तक है, नहीं होगा तो जलसमाधि ले लेंगे। तो सबसे बड़ा रास्ता जो है नाम जप का है, सही विधान का है, सही पूजा का है। घर में ये 50-50 फोटो रख लेते हैं, इतना बड़ा मंदिर बना लेंगे, फिर पूछेंगे हमें बताओ हमारे पर कृपा किसकी है, किसकी बताओ? अभी 50 देवता के नाम ले क्या? कृपा हमेशा एक की रहेगी, दो की कृपा नहीं रह सकती है।
वो कृपा वाली शक्ति जो है वो साथ में आपको आगे लेके चलती है। हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सी शक्ति है वो जो जिसकी कृपा हम पर है? जिस शक्ति को मैं आपको चलो दो चीज बताता हूँ कि आपको कैसे पता लगेगा, एक तो कृपा किस पे है और दूसरा की शक्ति सिद्ध कैसे है ना, और कौन सी शक्ति पूर्व जन्म से निकल रही है। जिस भी देवी देवता को देख कर आपके आंख में आंसू आ गया ना, उसी की कृपा आपके साथ है, पहले तो याद रखना। और जिसके लिए आंसू, जब आपका एक आंसू गिर गया ना धरती के ऊपर माँ को बोलते ही, वही आपकी भगवती सिद्ध होगी। फालतू के उपाय जो है वो बहुत दिए जा सकते हैं, लेकिन अगर प्रैक्टिकल की बात करें तो आपकी श्रद्धा ही बताती है अपने आपको, ठीक है। अगर आपके अंदर श्रद्धा भाव ही नहीं है किसी के प्रति, तो आप कैसे बोल सकते हो कि किसी शक्ति की कृपा है? जब आपकी इच्छा, जब मैं माँ काली का मुझे ये नहीं पता था कि माँ काली है कौन, मेरे ऐसे आंसू निकल आते थे देख कर, मैंने कहा ये है कौन यार, मैंने किसी से पूछा, मैं कहते माँ काली, मैं कहा शक्ति होती है इसमें, कितनी शक्ति वाली है, क्या है? बाकी तो अगर हवा की बात करनी है तो बहुत चीजें बता दूँ, ऐसे पता लगेगा वैसे पता लगेगा। अब ये बात वही होगी अगर मैं एक बात बोलूँ ना, कि अब एक बच्चा पूछ रहा है अपने बाप से कि मेरा बाप कौन है, अब वही बताएगा ना कि मैं हूँ, क्यों पंडितों को फोन करेगा मेरा बच्चा पूछ रहा है बाप कौन है? जब आपको पता है कि आप जिसकी पूजा कर रहे हो तो कृपा भी उसी की होगी ना। सही बात, ठीक है ना। अब आप धनी राम से रोटी लेके तेली राम को पैसा तो नहीं दोगे ना। सिंपल ही लॉजिक है। बहुत बढ़िया। टाइम की थोड़ी सी कमी के कारण ये पॉडकास्ट से ही रैपअप करना पड़ रहा है, लेकिन यही मैं बोलता हूँ हर बार, और इस पॉडकास्ट में भी हमारे साथ ये हुआ कि जितनी चीजें हमने लिखी हुई थी शायद हमने उसमें से एक दो ही उठाई है। 20 टॉपिक थे, 20 में से हमने दो टच करे हैं। अगर आप चाहते हो और ज्यादा ऐसे ही साधना में, तंत्र में डीप नॉलेज, तो हम सर को फिर से बुलाएंगे। कमेंट्स करना भर भर के, क्या पार्ट आपको इस वीडियो का सबसे अच्छा लगा। सर की आपको इंस्टाग्राम आईडी और डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, फॉलो कर लेना जाके ऐसी चीजों को देखने और सुनने के लिए, जो कि मुझे लगता है कि लोगों को हर एक चीज, हर एक पहलू पता होना चाहिए, ये हमारे पॉडकास्ट का मतलब होता है। बड़ा अच्छा लगा बात करके आपसे, और बहुत कुछ नई चीजें सुनी मैंने, हालांकि काफी टाइम से मैं इस लाइन में हूँ और कई सौ तांत्रिकों से मिल चुका हूँ, लेकिन आपने जो बातें बताई उनमें से कई ऐसी बातें थी जो मैंने रिपीटेडली नहीं थी सुनी, नहीं मैंने पहले फर्स्ट टाइम सुनी, तो मेरे लिए भी काफी कुछ मुझे सीखने को मिला, इसलिए मैं ध्यान से सुन रहा था आपकी बातें, वरना मैं ज्यादा बोलता हूँ अपने पॉडकास्ट में। तो जरूर कमेंट करके बताना आपको क्या मिला। हर एक बंदा, उस एक बंदे तक ये पॉडकास्ट जरूर शेयर करना जो कि लगता है कि किसी ना किसी के काम आ सकता है। कुछ बोलना चाहोगे आप? बाकी तो जो मुझे प्यार करने वाले थोड़े लोग तो मुझे भी जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। सपोर्ट करना, सर के चैनल को भी सपोर्ट करना, ठीक है, इनको भी सब्सक्राइब करना, और नेक्स्ट ब्रॉडकास्ट में तुम क्या चाहते हो वो कमेंट करके बताना। साधना से रिलेटेड बात करना कि कहां तुम्हें क्या दिक्कत आ रही है, उस हिसाब से हम उसको रखेंगे। आदेश जय माता दी। बिल्कुल, सर का ये फेमस है आदेश जय माता दी। तो रैप अप करते, मिलता हूं आपको किसी और पॉडकास्ट में, तब तक के लिए सभी को मेरा नमस्कार।